पद्म पुराण में कृष्ण के पुनः ब्रज आगमन की ये लीला का गायन किया गया और उसको यूं की त्यों उस अध्याय को अभी तक श्री गोपाल चक्कू में श्री जीव गोस्वामी जी ने पूरा का पूरा अध्याय यूं की त्यों दे दिया, यूं की त्यों अविकल दे दिया। उसमें चिन्ह कुछ पार्ट तो नहीं किया, आगे पीछे थोड़ा जोड़ करके कहानी के साथ में, कथा के साथ में, अपने चंपू के साथ में जोड़ करके यूं की त्यों उस अध्याय को ही प्रस्तुत कर दिया। अभी कल श्री नंदवाला के साथ में रहे और वहां पर 2 महीने तक श्री कृष्ण प्रकट लीला में ब्रजवासियों के साथ में रहे। 2 महीना कहां बीत गए पता ही नहीं लगा। एक दिन बोले बाबा अपनी पुरानी गढ़ी छोड़ करके यहां रास्ते में डेरा डाल करके क्यों रह रहे हो? मुझे तो आज ध्यान में आया कि हम लोग डेरा में रह रहे हैं, डेरा में क्यों रह रहे हैं? हमारी तो अपना किला है, गढ़ी है अपनी, उसको छोड़ करके। बोले बेटा हमने ये सोचा कि तू इंद्रप्रस्थ आया हुआ है राजस्वी यज्ञ में, ये सुनने में आया तो तू यहां से जब जाएगा तो तुझसे मिल लेंगे, इसलिए डेरा डाल करके यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब बोले ना ना, अब मैं यहाँ आ गया, अब मैं यहां से बिल्कुल जाऊंगा ही नहीं। और ऐसा कहकर के श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को अपने दिव्य रथ के ऊपर विराजमान किया। सारे ब्रजवासी दिव्य रथ के ऊपर बैठ गए और जैसे ही रथ के ऊपर बैठ करके यमुना जी में आपने रथ को उतारा, उत्तारण भूमि है भद्रों, भद्रों से यमुना ऐसी है वहां पर कि बहुत ज्यादा गहरा पानी नहीं है उस समय, और वहां से बिना पुल के भी यमुना को पार किया जा सकता था। तो उत्तारण भूमि जब भी रही है वो भद्रौत के आसपास की भूमि रही है। तो वहां से श्री कृष्ण ने जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन वृंदावन में प्रवेश किया, चलो चलो अपन अपने पुराने घर पर, पुरानी गढ़ी में चलते हैं, पुराने घर पर चलते हैं, ऐसा कहकर के रथ में बैठ करके जो आपने प्रवेश किया सो ही ब्रजवासियों की एक बार पलक झपकी, नदी में जब आए तो एक बार पलक झपकी, और जो पलक झपके सो ही श्री कृष्ण ने अपनी प्रकट लीला को छिपा लिया। सारे ब्रजवासियों को लेकर के संसार को ब्रजवासियों का दर्शन होना बंद हो गया और ब्रजवासियों को यह लगा जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए, माने प्रकट लीला की समाप्ति हो गई। और प्रकट लीला की समाप्ति होकर के ये श्री कृष्ण की लीला उस समय 72 वर्ष की लगभग हो गई। उस श्री कृष्ण ने सारी ब्रजवासियों की लीलाओं को, ब्रजवासियों को लेकर के फिर अप्रकट वृंदावन में प्रवेश किया। अब अप्रकट वृंदावन में आ गए, अप्रकट वृंदावन में जब आ गए तो अब कहीं संकोच की बात नहीं है और सब की ये इच्छा कि गोपकारों का, श्री राधिका का, अब ये गोपाल चक्कू की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि इनका श्री कृष्ण के साथ में विवाह हो जाए। और पारिवारिकता होने पर बड़ी कठिनाई, जब राधिका आदि गोपियों से ये कहा गया कि तुम्हारा कृष्ण के साथ में विवाह हुआ, विवाह अब करा दिया जाए, तो इन गोपियों ने मना कर दिया। बोले ना, दुनिया सारा गांव जाने कब से कह रहा है गोपियों का विवाह हो गया, ये तो फलाने की बहू है, ये फलाने की दौरानी लगती है, फलाने की जेठानी लगती है, जो लोग व्यवहार है लोग व्यवहार में तो हमको कहीं हमारा विवाह हो चुका है, यद्यपि हमको कभी भी पता नहीं है जीवन में भी कि हमारा विवाह हुआ, परंतु हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि दुनिया क्यों बक रही है। अब वो वाली बात कि किसी एक झूठ को 100 बार कहो तो जैसे वो झूठ सच मान ली जाती है, ऐसे ही लोक व्यवहार में सब लोग हमको फलाने की बहू, फलाने की बहू, फलाने की बेटी, फलाने की ननद, इस तरह से व्यवहार करते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता है। अरे यदि जो भी हुआ हो, हमारा विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारी दृष्टि में तो नहीं हुआ है, परंतु लोक व्यवहार में ये प्रसिद्धि है कि
गोपिकाओं का विवाह प्रत्यायित हो गया है तो हम अब दोबारा किसी के साथ में कैसे विवाह कर सकते हैं। गोपियों ने मना कर दिया कि ना हम ऐसा नहीं कर सकते। उस समय कुछ ऐसा इस ढंग से वर्णन किया गया तो उस समय दुर्वासा ऋषि श्री ब्रज में आए और दुर्वासा ने अपने तेज को प्रकट किया, तेज की अग्नि को, और तेज की अग्नि को प्रकट करके कहा और मासी जी ने भी कहा कि नहीं नहीं तुम लोग तो एकमात्र कृष्ण की ही नित्य प्रिया हो और कृष्ण के अतिरिक्त तुम्हारा कहीं दूसरे के विवाह जो हुआ है वो तो छाया गोपियों का विवाह हुआ है, तुम मूल गोपियों का तो कभी विवाह हुआ ही नहीं है, तुम तो नित्य कृष्ण प्रिया ही हो, अतः कृष्ण प्रिया रूप में तुम्हारा कृष्ण के साथ में दोबारा विवाह कर दिया जाए। ध्यान दे रही कहां की लीला है, भवन वृंदावन की नहीं है, ये गोलोक की लीला है, गोलोक की लीला है। और वहां पर दुर्वासा ऋषि भी आ गए, वही दुर्वासा ऋषि इसमें प्रमाण रूप होकर के विराजमान है, इनसे पूछ लो। दुर्वासा ऋषि ने अपने तेज की अग्नि को प्रकट किया और वहां पर दो गोपियों का दर्शन करा दिया, बोले एक तो तुम गोपी हो और एक तुम्हारी देखो छाया रूप गोपी भी है। अब जो भी सच्चा होगा वो रहेगा, जो झूठा है वो समाप्त हो जाएगा, इस अग्नि में प्रवेश करो। और जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही जो छाया गोपियां थी वे सब की सब अंतर्धान हो गए। ये गोलोक की लीला है, श्री गोपाल चक्कू में इस प्रकार से कहीं निरूपण कर रहे हैं जी गोस्वामी जी। अब जो गोपी रही उनको विश्वास हो गया कि हाँ हम कृष्ण प्रिया ही हैं, किसी अन्य की भार्या हम हो ही नहीं सकते, हम कृष्ण प्रिया ही हैं। और उस समय श्री गोलोक में राधा कृष्ण विवाह स्थापित किया गया, भवन वृंदावन की लीला नहीं है, गोलोक की लीला है। और स्वकीय परकीय के पूरे शास्त्रीय विवेचन में और श्री उज्जवल नीलमणि के भी विवेचन में इस बात को कहीं उपस्थित किया गया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि किसी भी प्रामाणिक ग्रंथ में आर्ष ग्रंथ में श्री राधा कृष्ण का भवन वृंदावन में विवाह वर्णित नहीं है। श्री जीव गोस्वामी जी ने भी स्वेच्छया लिखतम किंचित किंचित अत्र परिच्छय, कुछ बात मैंने स्वेच्छा से लिखी है कुछ बात परीक्षा से भी लिखी, क्योंकि जीव गोस्वामी जी को जब सिद्धांत स्थापित करना पड़ा तो सिद्धांत स्थापित करने में यह बात कहनी पड़ी कि गोपी और कृष्ण दो अलग अलग नहीं है, राधा कृष्ण दोनों एक है, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयी हरि, दोनों एक होकर के विराजमान है। राधिया माधव देव माधवी देव राधिका विभ्राजंते जनेशु, ये जो शास्त्रीय सिद्धांत है उस शास्त्रीय सिद्धांत को कहीं उनको स्थापित करना था। और उस समय श्री निम्बार्क भगवान के संप्रदाय के गौड़ीय उपासना, जो अन्य जितने भी राधा कृष्ण उपासना पद्धति वाले हैं वे सब कहीं श्री राधा कृष्ण को एक तत्व करके मानते हैं, इसलिए स्वकीय की भी स्थापना करनी थी। इसलिए श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री गोपाल चक्कू में और श्री उज्जवल नीलमणि की टीका में आनंद चंद्रिका में इस बात को स्थापित कर दिया कि श्री गोपिकागण और कृष्ण ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है, सिद्धांतता दोनों एक हैं। राधिया माधव देव माधवी देव राधिका विभ्राजंते जनेशु है, ये जो ऋग्वेद के वचन थे उन वचनों को आधार लेकर के और गौर ते श्याम ते दोनों एक होकर के विराजमान है, दोनों एक ही वस्तु होकर के विराजमान, ये जो मूल सिद्धांत था इस मूल सिद्धांत को भी कहीं स्थापित करना था। तो परेच्छया श्री जीव गोस्वामी जी ने ये स्थापित करने का प्रयत्न किया कि गोलोक में तो स्वकिया है और भवन वृंदावन में परकिया है, ये उन्होंने एक ऑप्शन रखा।
दिया जी गोस्वामी जी ने। और गोपाल चंपू में भी ये विवाह प्रत्यायित करा करके वो पूरा एक नाटक सा दिखा करके कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, उन्होंने तेज की अग्नि प्रकट की है और उसमें जैसे ही प्रवेश कर रही है तो छाया रूपी गोपियां तो वहां पर अंतर्धान हो गई और जो मूल गोपियां हैं वे रही और वहां पर श्री राधा कृष्ण का विवाह प्रत्यायित करा दिया गया, ये स्थापित कर दिया गया और स्वकीय आरती की स्थापना करा दी गई। परंतु वहां पर भी निरूपण कर रहे हैं इसी तरह से श्री रूप गोस्वामी जी ने ललित माधव नाटक में श्री राधिका को सत्यभामा के रूप में, श्री चंदावली जी को रुक्मणी जी के रूप में, श्री ललिता जी को जाम्बवती जी के रूप में, श्री विशाखा जी को श्री कालिंदी जी के रूप में, श्री पद्मा जी को श्री नागनजीति जी के रूप में, श्री शैब्या जी को कहीं मित्रवृंदा के रूप में, भद्रा जी को भद्रा के रूप में और श्यामला को वहां पर श्री श्यामला के रूप में, जो ब्रज के आठ महर्षि हैं उनको ही द्वारका में पहुंचाया और द्वारका में इनका विवाह प्रस्तावित दिखा दिया। द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ में, सत्यभामा के साथ में श्री कृष्ण का विवाह प्रत्यायित कराया। अब चाहे द्वारका में विवाह हुआ ब्रज की बात नहीं है, यहाँ इस ब्रज में नहीं, इस ब्रज में तो शुद्ध परकिया ही विराजमान है, परंतु ब्रज के बाहर अप्रकट श्री वृंदावन में या द्वारका में कहीं इनके विवाह को जब स्थापित किया गया तो उस विवाह को प्राप्त करके भी इन ब्रज गोपकारणों से अब पूछा जाए कि तुम्हारा क्या विचार है, तुमने कृष्ण की पत्नी बनकर के भी कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन किया और तुमने गोपी बनकर के परकिया बनकर के भी कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन किया, अब तुम ही प्रमाण बता दो कि तुमको कौन सा कृष्ण का स्वरूप अच्छा लगता है। श्री ललित माधव नाटक में श्री राधा रानी से उस समय कोई सखी पूछती है कि अरे सखी अब तू बता कि तुझे कौन सा स्वरूप अच्छा लगता है, उस समय श्री राधा रानी श्याम सुंदर से यही कहती है, याते श्लोक तो याद नहीं आ रहा है पूरा पूरा, परंतु उस श्लोक का भाव ये है कि याते लीला परमलो गार बन्या परीता धन्या क्षोणी विजयते माधुरी माधुरी सा, कोई मथुरा की अपूर्व मथुरामयी जो भूमि विराजमान है उस भूमि में हे श्री श्याम सुंदर मैं तुमको बंशी बजाते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर रुक्मणी रूप में या सत्यभामा के रूप में हम भले द्वारका में आपकी पत्नी बनने, परंतु पत्नी बनने में कोई स्वाद नहीं है, जा दो दो चार कौड़ी का भी स्वाद नहीं उस मधुरमा के आगे, जो मधुरमा का स्वाद ब्रज में प्राप्त था उस स्वाद के आगे इस महर्षि रूप में जो सामंजसारथी है उस सामंजसारथी के रूप में स्वाद हमको कभी प्राप्त है ही नहीं। यहां पर सामंजसारथी में जो स्वाद नहीं है उससे कहीं अधिक स्वाद था समर्थारथी में। और हम समर्थारथी के उस स्वाद को ही निरंतर निरंतर प्राप्त करना चाहती है। आप वहां पर तत्स्मा भी वहां पर हमारे साथ में कले वेणु वादोल्लासम, वेणुवाद का जो अपूर्व उल्लास है उस उल्लास को प्रकट करते हुए विराजमान हो। वो श्लोक तो पूरा याद नहीं है, थोड़ा उलट पुलट है, परंतु श्लोक का उसका भाव यही है। तो श्री कहने का तात्पर्य कि यदि श्री राधिका कभी विवाह प्राप्त करके कृष्ण की भार्या पत्नी बन जाए तो स्वाद सत्यानाश, जरा भी स्वाद नहीं।
स्वाद जो है वो किसमें है, बोले दुर्लभता यदि विराजमान है तो स्वाद है। इसलिए परम परम उत्कर्ष वह सर्वदा सर्वदा वह परकीय भाव में ही है। अब श्री जीव गोस्वामी जी ने कहीं यह बात दिखाई, अलग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये सब्जेक्ट है, जो विषय है वो विषय बड़ा ग्रंथित है, परंतु उसमें श्री जीव गोस्वामी जी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बड़े आदर के साथ में कह रहे हैं कि श्री जीव गोस्वामी जी ने दो तरह के मत प्रस्तुत किए, एक है उनका स्वमत, एक है परमत। परमत के आधार पर उन्होंने श्री गोपाल चंपू में राधा कृष्ण का विवाह दिखा दिया, ये परमत है। वो विवाह भी दिखाया कहां, वो भौम वृंदावन में नहीं दिखाया, उसको भी गोमुख में दिखाया, या विवाह यदि कहीं होगा तो वो द्वारका में होगा। भौम वृंदावन में तो किसी शास्त्र में किसी ग्रंथ में राधा कृष्ण का विवाह है ही नहीं, जो कुछ भी वर्णन है वो या तो अप्रकट वृंदावन में है या जो अन्य ग्रंथ हैं जो कि प्रामाणिक बहुत ज्यादा नहीं है, उन ग्रंथों में भले राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन कर दिया हो, परंतु श्री राधा कृष्ण का सर्वोत्तम जो प्रेम का स्वरूप है वह परकिया में ही है। एक बात और इसी बात के साथ में बिल्कुल पहले से समझ लेनी चाहिए पृष्ठभूमि में, वो ये कि उपपति के साथ में प्रीति का वर्णन करना यह शास्त्र में निषिद्ध माना गया और इसे रसाभास माना गया, परंतु वो ये जो रसाभास है ये कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य नायक के लिए, कृष्ण के लिए यह औपपत्य या कभी भी रसाभास नहीं है, कृष्ण के विषय में रसाभास नहीं है। तो क्षुद्रत्वम अत्र यत्प्रोक्तम तत्तु प्राकृत नायके, श्री उज्ज्वल निर्मणि में श्री रूप गोस्वामी जी निरूपण कर रहे हैं कि जो उपपति की क्षुद्रता का निरूपण किया गया, उपपति को कहीं शास्त्र में जो रसाभास करके निरूपण किया गया वो प्राकृत नायक के प्रति है, वह रस निर्यास आस्वादिनी, रस निर्यास का सार का आस्वादन करने वाले कृष्ण नो, आस्वादन कृष्ण नो, रस निर्यास का आस्वादन करने वाले जो कृष्ण हैं उनके विषय में नहीं है। तो ये बात तो पहले विचार कर ली। अब श्री कृष्ण के भी यदि कभी विवाहित रूप का, राधा कृष्ण के विवाहित रूप का श्री गोमुख या कहीं माधव, विचित्र माधव इत्यादि जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में कहीं वर्णन, अब वो विचित्र माधव इत्यादि जो ग्रंथ हैं वो शास्त्रीय नहीं है, वो कवियों की कल्पना के आधार पर बनाए गए हुए ग्रंथ हैं। किसी भी शास्त्रीय ग्रंथ में श्री राधा कृष्ण के बुर्जी में विवाह का वर्णन नहीं है, यदि बीज में विवाह का वर्णन है तो विवाह खेल के रूप में है। हाँ ये बात और ध्यान रखनी है, राधा मंत्री के मंदिर में नित्य ब्याहदार होता है, सारे मंदिरों में अनेक जगह विवाह खेल है, पूरी आप विवाहोत्सव वहां पर विवाह खेल है, तो वो विवाहोत्सव जो है वो राधा कृष्ण का विवाह नहीं है बल्कि सखीगण श्री प्रियालाल का विवाह खेल करती हुई विराजमान है। तो ब्रज में यदि प्रकट लीला में कहीं विवाह प्राप्त होता है तो वो विवाह खेल के रूप में प्राप्त होता है, वास्तव में यदि कहीं विवाह किया गया तो वो विवाह श्री गोमुख में होगा या पूर्ण लीला में द्वारका में होगा, ब्रज लीला में विवाह नहीं है। श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया ललित माधव में वो द्वारका में विवाह वर्णन किया, ब्रज में विवाह नहीं है। श्री जीव गोस्वामी जी ने जो विवाह वर्णन किया वो भौम वृंदावन में नहीं है, वो श्री गोमुख में, भौम वृंदावन में नहीं है, भांडेपट के, हाँ वो भी जो लीला है वो केवल मन विवाह खेल की लीला है, सखीगण विवाह खेल, और वहां पर वो जो भांडेपट की जो लीला है श्री ब्रह्मा जी ने जो विवाह कराया कौन से ग्रंथ पे है,
को भी कहीं गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने उसके प्रमाण नहीं दिए। अच्छा, जी गोस्वामी जी ने कहीं भी जो प्रमाण रूप में अनेक जगह प्रमाण दिए, परंतु उन्होंने उसके प्रमाण नहीं दिए। तो ये अब वो भी विवाह खेल के रूप में है, विवाह खेल के रूप में उसको है, जो रस का उत्कर्ष है। अन्यथा श्री रुक्मणी में और राधिका में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। यदि विवाह के कारण कहीं प्रीति है तो श्री रुक्मणी में और श्री राधिका में कहीं अंतर ही नहीं रहेगा, दोनों का अंतर। तो समर्थारति की जो महिमा है वो समाप्त होकर के समंजसारति की महिमा हो जाएगी। तो समंजसारति वो प्रधान नहीं है, समर्थारति प्रधान है। और ब्रज में समर्थारति की महिमा का गायन करने के लिए श्री कृष्ण के वचन सबसे बड़े प्रमाण है और उद्धव जी के वचन सबसे बड़े प्रमाण है। दो प्रमाण सबसे ज्यादा इस विषय में माने जा सकते हैं। श्री उद्धव जी जब आते हैं तो गोपियों के परकीय भाव की महिमा का गायन करते हैं कि या दुस्ते जम स्वजन मार्ग प्रथम चेत्वा भेजे मुकुंद पदवीन शुद्ध ब्रह्मज्ञान। उद्धव जी के वचन है कि हम गोपियों की महिमा इसलिए गायन करते हैं, उसमें एक तर्क दिया कि गोपी बड़ी क्यों है, उसमें एक तर्क दिया कि या दुस्ते जम स्वजन मार्ग प्रथम चेत्वा भेजे मुकुंद पदवीन, कि जिन्होंने लोक भेद की मर्यादा का त्याग करके मुकुंद की पदवी को प्राप्त किया। बड़ा कठिन विषय, इसको कोई छुपता नहीं है। ये जो संपूर्ण पूरे शास्त्र का जो एक साथ समेकित वर्णन है, इसको सहज में करने में डरते हैं क्योंकि स्वामी उलट पुलट हो जाएंगे, फिर गुलाम दिखाने लगेंगे, एक जगह वर्णन करने लगे, एक स्वतो बात विरोध बच जाए, अपने वचन के फिर अपने वचन भी उल्टे पड़ जाएंगे। तो इनको कहते समय बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और पूरे पूरे प्रसंग को जब पूरा समझा हुआ है तब इस प्रसंग को कहीं समझा जा सकता है, यथासाध्य समझाया जा सकता है। बड़ा कठिन विषय है। तो आशा महो चरण जुषाम हमश्याम वृंदावने के उषधीनाम या दुस्तिजन स्वजन मारे पथम चेतवा भेजे मुकुंद पदवीन शुद्धिर ब्रह्मज्ञान। ये उद्धव के जो वचन है ये गोपियों की महिमा को प्रकट करने के सर्वोत्तम प्रमाण। इसी प्रकार श्री कृष्ण के वचन सर्वोत्तम प्रमाण है परकीय भाव की सर्वोत्कृष्टता दिखाने के लिए, और महर्षियों के प्रेम से भी गोपियों का प्रेम अधिक है इसको दिखाने के लिए श्री कृष्ण के वचन इसमें पूर्ण रूप से प्रमाण है कि न पारे हम निर्वत्य संयोजन स्वसाद कृत्यम विभुधायुषा विवाह यामा भजन दुर्जर। हाँ, ध्यान रखना, दुर्जर गेह श्रृंखला संप्रच्य तद्वह प्रतिया साधना। बोल गोपियों, आपने लोक वेद की मर्यादा को काट करके संप्रच्य मुझे प्राप्त किया, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं, आपकी महिमा होगी साधुता होगी तो मैं उस प्रेम को प्राप्त कर सकता हूं। तो श्री कृष्ण के ये वचन और उद्धव जी के ये वचन, इसी तरह से श्री भीष्म पितामह के फिर और तो और बहुत सारे वचन मिल जाएंगे, और तो और भी बहुत सारे वचन मिल जाएंगे। तो वे जितने भी वचन हैं उन सबों में गोपियों की महिमा विवाहित होने के कारण नहीं है। गोपियों की महिमा का हेतु गोपियों का विवाहित होना नहीं है। गोपियों की महिमा का हेतु सर्वदा यह है कि उन्होंने लोक वेद की मर्यादा का उल्लंघन किया। अब एक समस्या, वो समस्या ये कि गोपिकागण तो श्री कृष्ण की नित्य प्रिया है, तो नित्य प्रिया भी है और परकिया भी है, इस दोनों बातों को कैसे निभाया जाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इसका एक बहुत सुंदर अंत में जैसे निर्णय दे दिया, निचोड़ दे दिया कि श्री कृष्ण और राधिका
तत्व में हमारे लिए एक होकर के विराजमान। और श्री जीव गोस्वामी जी जो कुछ भी वर्णन कर रहे हैं वो तत्व को दिखाने के लिए वर्णन कर रहे हैं कि राधा कृष्ण दोनों एक हैं, परंतु हमारे लिए श्री कृष्ण, बहुत ध्यान से सुनना, हमारे लिए श्री कृष्ण तत्व रूप में उपास्य नहीं है, हमारे लिए वे लीला बिहारी के रूप में उपास्य है। और जब भी लीला बिहारी के रूप में कृष्ण उपास्य होंगे वहां पर उनकी महिमा उपपति के रूप में ही होगी, पति के रूप में नहीं होगी। गोपियों की महिमा सर्वदा परकिया के रूप में ही होगी, स्वकीय भार्या के रूप में नहीं। तो रस की दृष्टि से श्री कृष्ण सर्वदा सर्वदा उपपति होकर के विराजमान, परकिया की दृष्टि से श्री गोपिकागण सर्वोत्तम होकर के विराजमान, परंतु सिद्धांत की दृष्टि से श्री राधा कृष्ण दो अलग है ही नहीं, दोनों एक होकर के विराजमान है। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने जहां स्वकीयवाद की स्थापना की आनंद चंद्रिका में, उज्जवलमणि की आनंद चंद्रिका में, जहां उन्होंने मन एक विवाद सा हो गया और गौड़ियाओं में भी बड़ा भ्रम है, जो नए लोग हैं, पुराने लोगों को तो नहीं, परंतु जो नए साधक हैं उनके मन में भ्रम है कि जीव गोस्वामी जी, प्राय कह दिया जाता है जीव गोस्वामी जी स्वकीयवादी हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी परकीयवादी हैं। एक धारणा गलत, ऐसा नहीं। एक दूसरी गलत धारणा और गौड़ियाओं में बैठ गई, बड़े बड़े लोगों में बैठी हुई है कि भौम वृंदावन में तो परकिया है परंतु श्री गोलोक में स्वकिया है। गलत, यह धारणा भी नहीं है। दोनों बातों का अभी स्थापित कर देंगे कि यहां पर भी परकिया और गोलोक में भी परकिया, ये ही मानना चाहिए। क्योंकि यदि गोलोक में स्वकिया मान ले और वहां पर यदि दंपति भाव मान ले तो दंपति ही दंपति भाव मानने पर, गोलोक में दंपति भाव मान लेने पर गोलोक की लीला हो जाएगी समंजस सारथी की, और समंजस सारथी की होने पर वो लीला परम उपास्य नहीं रहेगी। परंतु गोलोक की लीला को हम ऐसा नहीं कह सकते हैं वो उपास्य नहीं है, वो भी उपास्य है और उसका भी ध्यान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर भी पर किया, गोलोक में भी पर किया, केवल रसकों को ये दिखाने के लिए कि श्री प्रियालाल संसार के स्वकिया परकिया नहीं है, संसार के उपपति और परकिया नहीं है, बल्कि सिद्धांत में वे एक तत्व होकर के लादनी शक्ति रसराज महाभाव दोनों एक स्वरूप होकर के ही विराजमान है, रसराज और महाभाव स्वरूप होकर के विराजमान है वे, परंतु रस का आस्वादन प्राप्त करने के लिए श्री किशोरी जी को भी परकिया भाव ही धारण करते हैं, उसमें श्याम सुंदर का जैसा माधुर्य प्राप्त होता है वैसा स्वकिया में माधुर्य का आस्वादन गोलोक में भी नहीं है। इसलिए वहां पर भी परकिया भाव, यहां पर भी परकिया भाव, और अप्रकट वृंदावन में जो लीला हो रही है वहां पर भी परकिया। देखिए तीन लीला, एक है अवतार काल की लीला, माने आज से 5254 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने जब अवतार धारण किया था और उस समय 125 वर्ष तक श्री कृष्ण ने जो लीला की पृथ्वी के ऊपर विराजमान होकर के, अवतार काल की लीला, उसमें भी पर किया। 125 वर्ष के बाद में श्री कृष्ण जब अंतर्धान हो गए और श्री अप्रकट वृंदावन में वे आज तक क्रिया कर रहे हैं, तो उस अप्रकट वृंदावन में जिसको कोई कोई भाग्यशाली जन महापुरुष जिस लीला का साक्षात दर्शन करते हैं उस लीला में भी परकिया ही है। और भवन वृंदावन की तरह से दिव्य वृंदावन गोलोक में, शब्दों का अंतर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग करूंगा, एक गोकुल और एक गोलोक। गोकुल माने भौम वृंदावन, अप्रकट भौम वृंदावन, और गोलोक माने
सर्वस्व श्री गोलोक, दोनों ही गोलोक है, परंतु दोनों का अंतर भौम और दिव्य का अंतर करने के लिए एक के लिए गोकुल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे के लिए गोलोक शब्द का प्रयोग करते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी ने, सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृत में निरूपण किया, यत्तु गोकुल नामास्ति, यत्तु गोलोक नामास्ति तत्तु गोकुल वैभवम्। जो वो गोलोक है वो इसी अप्रकट वृंदावन का, जो आलमी वृंदावन है, हमको दिख नहीं रहा है परंतु आलमी बैठे उसी वृंदावन में, उसी दिव्य वृंदावन का वैभव मात्र होकर के विराजमान। इस वृंदावन में उस वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, दोनों वृंदावन एक है। हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए इस वृंदावन के दिव्य वृंदावन का हमको दर्शन नहीं हो रहा है, परंतु वो वृंदावन दिव्य होकर के, माने जैसे पर्दा उठ जाएगा वैसे यहां पर भी गोलोक दिखने लगेगा और वो गोलोक ऊपर भी विराजमान है। तो अधूर्ज तया भेदा, सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं इस वृंदावन में, अप्रकट वृंदावन में और उस वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, अधूर्ज तया भेद है। जब अधूर्ज तया भेद है, ये नीचे है वो ऊपर है, केवल इतना सा भेद है। तो जब यहां पर परकीय भाव की उपासना ही रस में सर्वोत्तम है, तो वहां श्री गोलोक की भी जो उपासना है वो भी सर्वोत्तम होगी। इसलिए निष्कर्ष यह हुआ कि अवतार काल के वृंदावन में भी परकीय, अवतार काल के बाद में जो भौम अप्रकट वृंदावन है उसमें भी परकीय, और जो दिव्य श्रीमद गोलोक का वृंदावन है उस गोलोक के वृंदावन में भी परकीय, सर्वत्र परकीय ही सर्वोत्तम है। कहीं भी दंपति भाव होने पर फिर रुक्मणी जी में और सीताराम में और श्री राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं रहेगा नहीं तो। इसलिए श्री राधा कृष्ण के प्रेम को सर्वोत्तम समझने के लिए भौम वृंदावन की लीला में और दिव्य वृंदावन की लीला में, दोनों ही लीलाओं में परकीय भाव को ही मानना पड़ेगा। और जहां कुछ देर के लिए एक आभास दिखाने के लिए कि श्री राधा कृष्ण परकीय नहीं है, वे एक ही है, लीला का आभास दिखाने दिवाने के लिए यदि उनका विवाह प्रत्यायिक भी करा दिया कुछ देर के लिए, भौम वृंदावन को मान लिया भैया, बांदी पट ने भी विवाह प्रत्यायिक करा दिया, परंतु उस विवाह को कभी भी स्वीकृति नहीं मिलेगी। रस का जो उल्लास होगा वो विवाह में नहीं है, रस का उल्लास सर्वदा सर्वदा परकिया में ही होगा, यहां पर भी और वहां की श्री राधिका से भी यदि पूछी जाए, श्री गोलोक बिहारिणी जो राधिका है उनसे भी पूछा जाए कि तुमको किसमें ज्यादा स्वाद आए।